हे हेलो गाइस, सो आज हम पढ़ेंगे विंडोज प्रिविलेज एक्सेशन का चीट शीट। सो इधर मैं डायरेक्ट जाऊंगा क्रोम पे, और क्रोम पे मैं सर्च करूंगा विंडोज प्रिव्स चीट शीट। पहला जो लिंक आ रहा है उसको ओपन लिंक टैब, ओपन न्यू टैब एंड ओपन न्यू टैब्स, तीनों ही सर्च करेंगे और देखेंगे उसमें प्रिविलेज एक्सेलेट कैसे करते हैं। तो पहला जो हमारा कमांड है वो है विंडोज कर्नल एक्सप्लॉइट। सो कर्नल एक्सप्लॉइट करने के लिए आपको ये वाला इन्फॉर्मेशन चाहिए, सिस्टम इन्फो। सो सिस्टम इन्फो आप सिर्फ अगर सर्च करोगे कॉपी, ये मेरा कमांड लाइन है और इधर मैं सिस्टम इन्फो देखूंगा तो आपको सिस्टम इन्फॉर्मेशन वाला मिल जाएगा। इसमें देखो मेरा ओएस है नाम, और ओएस नेम है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 एंटरप्राइजेस। ओएस का वर्जन दिख रहा है इधर, वर्जन है 10.19.045। ओएस मैन्युफैक्चर माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, ये सब बेसिक है। रजिस्टर ओनर माय नेम इज प्रताप। प्रोडक्शन आईडी, प्रोडक्ट आईडी, ओरिजिनल इंस्टॉल डेट, सिस्टम बूट, सारे इन्फॉर्मेशन आपको इधर सिस्टम इन्फो में मिल जाता है। तो ये बहुत टोटल फिजिकल मेमोरी 8 MB का है, एक फिजिकल मेमोरी और 9 MB मेरा वर्चुअल बॉक्स के लिए सेग्रेट सेग्रेट करके रखा है। उसके बाद 10 होस्ट फिक्स के बी आईडी भी है और 5 नेटवर्क कार्ड भी है उसके साथ साथ। हम अगला कमांड देखते हैं। कर्नल एक्सपोर्ट करने के लिए हम लोग ये सब यूज करेंगे, ग्रुप पॉलिसी के लिए ये अदर फाइल सब दिया है स्टेप बाय स्टेप। हम इसको सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो चीट शीट, विंडोज प्रिविलेज एक्सटेंशन चीट शीट आपको बेनिफिट करेगा। उसके साथ लिनक्स के लिए लिनक्स प्रिविलेज एक्सटेंशन चीट शीट, तो जो भी चीट शीट है वो चीट शीट ही फॉलो करेगी। ये देखो अच्छा है गेटअप ओसीपी प्रिपरेशन चीट शीट, इसका चीट शीट अभी देखेंगे। हम पहले सिस्टम इन्फो कर दिया। अगर मान लो मुझे सिस्टम इन्फो में कुछ स्पेसिफिक ट्राई चेक करना, जैसे फाइंड स्ट्रिंग और बीसी ओएस नेम और सिस्टम नहीं, इतने सारे इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं चाहिए सिस्टम इन्फो में, तो मुझे सिर्फ ओएस की बारे में जानना है, तो मैं ये वाला कमांड यूज करूंगा टाइप तक। ठीक है, कॉपी और इसको करो राइट क्लिक, इसको करो कॉपी यहाँ से और इधर, सॉरी एम टाइप हो गया पहले, और इसको करो एंटर। मुझे सिर्फ ओएस नेम दिखेगा और किसी कुछ नहीं। देखो इतने सारे इन्फॉर्मेशन आ रहा था, अभी क्या दिखा रहा है, ओएस नेम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 एंटरप्राइजेस एंड x64 बेस्ड पीसी, सिस्टम टाइप। उसके बाद WMIC QFP, ये भी एक फाइंडिंग कमांड है जो कि सारे इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, स्पेसिफिक किया हूँ, तो ये वाला कमांड हम ट्राई करेंगे, ये वाला एंटर करो। और इसमें देखो इसमें जो स्पेसिफिक है वही दिखाता है। और उसके बाद आपको अगर ये चाहिए तो चीट शीट डाउनलोड करने के बाद ड्रैग एंड ड्रॉप का ही काम है। ये देखो आ गया लॉजिकल डिस्क मेरा CDEF, 4 ड्राइव मैंने सेटअप करके रखा है। ओके, एंड एप्लीकेशन के बारे में अगर जानना है तो ये वाला कमांड है आपका, कॉपी पेस्ट। इस तरह सारा इंफॉर्मेशन आपको ऐसे कॉपी पेस्ट करके एक एक हर किसी एक को चेक करना पड़ता है। ये टाइम जा रहा है, ठीक है। इस तरह आप चीट शीट को यूज करके सारे इंफॉर्मेशन, ड्राइव के बारे में, हुए माई प्रीव्स, ग्रुप्स, ऑल, फायरवॉल के बारे में जान सकते हो, नेटवर्क के बारे में जान सकते हो। ऑटोमेशन टूल भी दिया है जैसे कि विनपीस, powerup.ps1, sherlock.ps1, ये सब ऑटोमेटिक टूल है, तो यहाँ से आप वो भी चेक कर सकते हो। उसके साथ शेड्यूल टास्क, स्टार्टअप, रन टाइम, सारे इन्फॉर्मेशन आपको इधर दिया है, सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप और कॉपी पेस्ट कर का काम है। तो हम अपना नेक्स्ट कमांड ये आ गया, देखो मैंने प्रोडक्ट आईडी, गेट नेम, वर्जन, वेंडर दिया था। उसके बाद मेरा अगला कमांड था, हाँ मेरा अगला कमांड क्या था, ये हो गया था।
उसके बाद सर्विस दे सकते हो, सारे चीज़ें इसे सिर्फ चेक करना, विंडोज हो माई प्रीप्स हो माई ग्रुप्स, ये सारे चीज चेक करना, कॉपी प्रीप्स, उसके बाद हुए माई ग्रुप्स, ये इंफॉर्मेशन गैदरिंग है बेसिकली। तो जब भी प्रिविलेज एक्सलेट करने के लिए जाए, हम इस तरह इंफॉर्मेशन गैदरिंग करेंगे इसके माध्यम से, ठीक है। और उसके बाद हुए माई ऑल कॉपी, ये सेल मिलने के बाद काम होता है। तो ये सेल मिलने के बाद ये सब काम हमें सर्च करना होता है विंडोज प्रिविलेज। नेट यूजर, नेट ग्रुप नेम, गेट नेट यूजर सब चाहिए। तो इसके लिए कॉपी करो और इसमें रन करो। ये देख सकते हो एडमिनिस्ट्रेटर प्रताप है। नेट एस एस फायरवॉल कौन सो स्टेट, ये आपका फायरवॉल का डिफेंडर का दिखाएगा। तो मैं ये कुछ करते हूँ एंटर, और उसके बाद मैं करूँगा कॉन्फ़िग, कॉन्फ़िग का भी कॉपी एंड करूँगा पेस्ट। इस तरह आप चेक कर सकते हो नेट एस एच एडवांस फायरवॉल डंप नेट सो स्टेट, सारे चीट शीट डाउनलोड करके इसको सिर्फ कॉपी पेस्ट करने का होता है। सॉरी एन एस एच, उसकी फिर एन कैपिटल हो गया है तो उसको हटा देते हैं हम लोग। अब एंटर करो, ठीक है हो रहा है। ऐसा आई पी कॉन्फिग के लिए ऐसा आई आर पी है सब चेक करना है हमें। सो ऐसा मैनुअली आप कर सकते हो। आईपी कॉन्फिग चीट शीट हर किसी का नेसेसरी होता है। उसके बाद सिर्फ आपको कॉपी पेस्ट का करने का काम होता है। ऐसा टास्क लेट एस बी सी ये भी चेक कर सकते हो। उसके बाद डब्ल्यू एम आई सी क्वेश्चन मार्क, ओके लिखते थे हमें डब्ल्यू एम आई सी क्वेश्चन मार्क आ गया। प्रेस टू कंटिन्यू, यस यस, इस तरह आता है। इस तरह शेड्यूल टास्क स्टार्टअप परमिशन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे एक एक बार देख सकते हो। कोई फाइल वगैरह अगर मिलेगा तो इसको भी चला सकते हो कि सेल मिलने के बाद। कॉपी इस तरह, ये वाला भी इस तरह, सारे चीट शीट आपका बहुत काम आएगा। इसको इंडिविजुअल ऐसे ऐसे कॉपी पेस्ट करके एक हर किसी का इनामोरेशन करना है, उसके बाद आगे जाना है हमें। तो ये था कुछ विंडोज चीट शीट। इस तरह लिनक्स के लिए लिनक्स चीट शीट काम करता है। सो लिनक्स क्रीप्स चीट शीट, ये देखो आ गया ओपन लिंक आ गया। नहीं तो ये वाला भी है, ये वाला भी ऑन कर दो। हर हुए माई सेम वे नेम कैड प्रॉक वर्जन ए एन बी टी सी पासवर्ड सुडो पी डब्ल्यू डी एल एस सब ऐसा ट्राई करने का है। तो इन्फोसेक इसका है, देखो इधर भी स्टेप बाय दिया है। ये सबसे अच्छा होता है गिटहब का प्रोडक्ट, विंडोज प्रिविलेज एक्सलेशन हो गया या लिनक्स प्रिविलेज चीट शीट। और उसके बाद हम और किसी का इनामोलेशन करना, इन्हें देखो टेकन द पोस्ट एक्सप्लोटेशन, द मेन थिंग इज इनामोलेशन इज द की। तो लिनक्स प्रिविलेज एक्सलेशन इज ऑल अबाउट कलेक्टिव प्रोसेस सर्च अडॉप्ट एंड ट्राई। ऑपरेटिंग सिस्टम चेक करना है, कैटेटिस इशू कैटेटिस रिलीज, इसको करने के लिए जैसे मैंने कमांड लाइन के थ्रू ये सब चेक कर पा रहा हूँ। इस तरह अगर आप लिनक्स करने के लिए चाहते हो तो टर्मिनल पे जाना है आपको, और इसमें काली में जाना है। इसमें देखो मेटास्प्लॉइट का है, तो मेटास्प्लॉइट का अगर मुझे चेक करना है कोई कुछ भी तो इसका यू नेम, उधर भी टर्मिनल होता है, काली लिनक्स का टर्मिनल रहता है। तो वो टर्मिनल में आपको वो जितने भी कमांड मैंने बोला वो आप चेक कर सकते हो। मैं इसको कर लेता हूँ बंद। हैंग हो गया हमारा,
ठीक है, इसको होने दो थोड़ा। ये अभी मैं सीधा जाऊंगा मेरा टर्मिनल को, पर जो भी बोला है इसके, जैसे कि कैट एटीस इशू, यू नेम, आरपीएम, डीबी से सब जैसा आप चेक कर सकते हो। ये पूरा फाइल का फाइल पूरा, जैसे कि मैं एक रैंडम ले लेता हूँ, मुझे सपोज पता करना है चलो ये देखते हैं क्या है। सी कॉपी टर्मिनल, इसको करो बंद, इसको करो शुरू। टर्मिनल हो जाने, ओपन हो जाने के बाद उसे पेस्ट वेस्ट करके हर किसी का इनॉग्रेशन, हमें इनॉग्रेशन इज द की, तो इस तरह ही चेक करेंगे। चीट शीट बहुत टाइम जाता है, ठीक हो जाने के बाद बोलता हूँ अभी पेज सिलेक्शन करो और इसको उसी पर एंटर करो। इस तरह चलता रहता है। तो सारे कमांड जितने भी हमने अब तक सीखा, इसको सारे के चीज चेक करना है आपको एक एक बार। तो मैं जाता हूँ, हमारा पहला था कैट एटीस प्रोफाइल कॉपी टर्मिनल प्रोजेक्ट पेस्ट इंटर, इस तरह करना और इंप्लीमेंट करना। थैंक यू वेरी मच। विंडोज प्रिविलेज एक्सटेंशन चीट और लिनक्स प्रिविलेज एक्सटेंशन चीट आपको बेनिफिट करेगा। थैंक यू वेरी मच गाइस।